तो पिछली वीडियो में तुम लोगों ने देखा कि इस बच्चे की स्पीड एंड जंप करने की पावर डबल हो गई थी एंड मेरी इन्वेंटरी में ना 3 मिस्टीरियस वेपन आ चुके थे जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे और जिसकी वजह से रूही को डर लगने लगा था कि कहीं ये पावर्स इविल तो नहीं है और उसी चक्कर में उसने मुझे ट्रैप कर दिया था। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अबे तेरी तबीयत तो खराब नहीं है, तूने आज लाइक सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगी? सुन बे चिंटू, पहली बात तो ये कि उन लोग को वीडियो अच्छी लगती है इसीलिए सब्सक्राइब करते हैं, और दूसरी बात लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो हर कोई बोलता है लेकिन तुम्हारा भाई कुछ अलग ही है। तो आज की इस वीडियो का कमेंट एम है 1000 कमेंट। भाई ये तो बता दे कमेंट क्या करना है। वैसे तो मुझे पता है तुम लोग यार कमेंट कर लोगे, और अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या कमेंट करना है चिंटू ओपी लिख देना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। वो ज्यादा कोस मत, तो ओपी का मतलब ओवर पावर्ड नहीं, ओवर पागल है। सो लेट्स बिगिन। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ट्रैप से बाहर कैसे आया, आओ दिखाता हूँ। ओ भाई ये क्या हो गया, इसकी आंखें कैसी हो गई और इसके दांत, भाई साहब कितना ज्यादा डरावना चेहरा लग रहा है इसका यार। अगर ये चेहरा सपने में आ गया ना भाई, बंदे की फटके पिचासी हो जाएगी यार। ये कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या बोलू मैं, इतना ज्यादा खौफनाक चेहरा बन गया इसका। उसने देख लिया तो भाई वो तो डरने वाली है, और यार इसकी आंखें ना मेरे को कहीं देखी देखी लग रही है। तुम लोग यार कमेंट करके बताना ये आंखें किसकी है, तुमने इन आंखों को कहां पे देखा है। और मेरे पास यार खाना भी खत्म होने वाला है, मेरे पास बस 8 आलू बचे हुए हैं और भाई ये आ चुकी है यार। ये मेरा फेस देख के डरने वाली है सही में, बहुत गंदे लेवल में। ओ भाई साहब देखो कैसे पीछे भाग रही है, भाई बोला था ना सच में ये डरने वाली है, क्योंकि यार इतना ज्यादा क्रीपी फेस है ना, अगर तुम्हारे सामने आ जाएगा ना भाई सच में बंदा डर जाएगा। भाई ये क्या बोल रही है, ये क्या हो गया, भाई मुझे भी नहीं पता ये क्या हो गया, और मेरी स्किन कैसे चेंज हो रही है यार, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तुम्हारी आंखें पूरी सफेद, वही तो यार आंखें पूरी सफेद हो चुकी है, जैसे आंखों में मोतिया बिंद हो गया हो। भाई मैं यहाँ पे भी कॉमेडी कर रहा हूँ इतने सीरियस मोमेंट पे, मैं ना कांच तोड़ देता हूँ इससे ना हम लोग थोड़ा सा बात करने की ट्राई करते हैं। कांच मैंने इसलिए तोड़ा है जिससे मैं यहाँ पे बुक फेंक के इसको बता सकूं। तो यहाँ पे मैंने आलू फेंक के इसको बताता हूँ कि मेरे को आलू चाहिए, बिकॉज यार मेरा ना एकदम खाना खत्म होने वाला है, बस 7 आलू बचे हुए हैं मेरे पे। और यहाँ पे हम लोग ना बुक में लिख के बोल देते हैं इससे मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है, और इधर पे ना थोड़ा सा मैं रोने वाला इमोजी लगा देता हूँ क्योंकि मैं सच में सैड हूँ यार। सो इसने बुक ले ली, अभी ये रीड कर रही है। भाई सच में यार देखो यार तुम कितना ज्यादा डरावना फेस है ये। और गाइस मेरे को ना अभी क्या लगता है कि ये स्किन ना कोई नॉर्मल स्किन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कि ये स्किन अपने आप कैसे चेंज हो सकती है, और अगर ये चेंज हो रही है ना मतलब कुछ ना कुछ तो भाई मिस्टीरियस पावर है। भाई ये तो मेरे को समझ में आ गया है कि ऐसे स्किन के अंदर पावर है, और ये वर्ल्ड भी कोई अच्छा वर्ल्ड नहीं है भाई, इसमें भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हो रही हैं। और भाई जहां तक मैंने माइनक्राफ्ट खेला है ना मेरी इतनी नॉलेज है कि अगर कोई स्किन अपने आप चेंज होती है ना मतलब कि वो स्किन नहीं एंटिटी बन चुकी है। और भाई अभी तो मैं इस स्किन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, भाई मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, मुझे इस स्किन से अलग होना पड़ेगा और उसके लिए भाई बहुत ज्यादा ही मेहनत लगने वाली है, पता नहीं कैसे होगा ये सब, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। और भाई इसने बुक में ये क्या लिख के भेजा है, ओ कोई नहीं परेशान ना हो हम है। भाई ये क्या नशे है भाई, बुक में तो मैं बात करता हूँ, इसने ही बुक में मैसेज लिख के भेज दिया है। तो गाइस ये सही बात है कि इसको समझ में आ रहा है कि मैं कोई भी ईवल बच्चा नहीं हूँ, मैं एकदम सही बंदा हूँ। और गाइस शायद तुम लोग को पता ना हो मैं भाई 15 दिन से इसी केज के अंदर बंद हूँ, मेरा ना एकदम दिमाग सड़ चुका है। तुम लोग एक बार इमेजिन करो एक ही जगह पे 3 ब्लॉक के अंदर कोई बंदा कैसे ही रह सकता है, वो भी 15 दिन तक। मेरे को तो अब भाई बाहर निकलना है यहाँ से, मैं इससे बोलूंगा कैसे भी करके मेरे को बाहर निकाले, भले ही ज्यादा देर के लिए नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मेरे को बाहर जाना है क्योंकि ताजी सांस लेनी है भाई, यहाँ दम घुट गया है मेरा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं इसको बुक में लिख के भेजता हूँ कि मुझे बाहर निकालो। और ये क्या बोल रही है, तुम्हारा खाना खत्म हो गया क्या? तो भाई खाना भी मेरा खत्म होने वाला है। और वेट अ सेकंड भाई, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी क्या? मैंने अभी नोटिस करी है कि मेरी हार्ट डबल हो चुके हैं। भाई मेरी हेल्थ कैसे बढ़ गई है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। गोल्डन एंचेंटेड एप्पल खाते हैं तब जाके अपनी हेल्थ बढ़ती है, अब तो भाई एकदम कंफर्म है कि ये कोई साधारण स्किन नहीं है, ये एंटिटी बनने वाली है। मुझे तो भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इस वर्ल्ड में ना कतई तबाही मचने वाली है। जब से मैंने इस बच्चे की स्किन लगाई है ना तब से मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें होने में लगी हुई है। और भाई देखो फिर से इसने बुक में ही लिख के भेज दिया, वेल डन वेल डन। ये क्या बोल रही है, अभी नहीं अभी सही टाइम नहीं है। भाई सही टाइम कैसे नहीं है यार, यहाँ मेरी फटी पड़ी है, ऐसे कैसे सही टाइम नहीं है। भाई चलो ये खाने के लिए मेरे लिए कुछ सामान लेने के लिए गई है, आलू के अलावा कुछ भी लेके आई ना मैंने भाई गुस्सा हो जाना है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गाइस अभी तो मैं इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, मैं भाई अपना पूरा बेस्ट दूंगा इसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और भाई अगर इसके पास इतनी तगड़ी तगड़ी पावर है ना तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में राज कर सकते हैं भाई। और ये क्या बोल रही है, ये खाओ क्या पता सही हो जाए। भाई देखो पॉइजन वाला पटेटो दे दिया, चलो कोई नहीं हम खा के देख लेंगे यार, क्या पता सही हो जाए। और यहाँ पे भाई इसने हमें आलू दे दिए हैं। वेट गाइस मेरी स्पीड भी तेज हो चुकी है और जंप तो नॉर्मल है यार, तुम लोगों को शायद इसके अंदर पता नहीं पड़ रहा हो क्योंकि 2-3 ब्लॉक ही है ना। मैं अभी बाहर निकल के तुम लोग को दिखाऊंगा अगर ये मेरे को बाहर निकालती है तो। भाई मेरे को तो बाहर निकलना है, मैं यहाँ पे सैड हो जाता हूँ और इससे बोलूंगा कि मेरे को बाहर निकाले। सबसे पहले ना बुक में लेके भेज देता हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो यार। और भाई ये देखो ये क्या बोल रही है, अब जाऊँ क्या, और कुछ इसको भगने की पड़ रही है। भाई देख लो यार क्या बोलूँ, ये हमारा दुख नहीं समझ रही है यहाँ। भाई कितना
कितना ज्यादा बेकार लग रहा है। यहाँ पे मैं ना सैड हो जाता हूँ, क्राउच करके मैं नीचे मुंह कर लेता हूँ, जैसे हम लोग सैड हो जाते हैं। मैं सही में सैड हूँ यार। और इसका मैसेज आया, ओके ठीक है निकालूंगी, पर एक शर्त पर, तुमको वापस यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और बाहर का थोड़ा सा नजारा लेके आना कि कैसा क्या माहौल चल रहा है यार। 15 दिन तक यहाँ पे बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो मैं इसको बुक में लिख के भेज देता हूँ। ओके ठीक है। तो यस गाइस, फाइनली ये हमको बाहर निकाल रही है, यहाँ पे ऑब्सीडियन तोड़ रही है। भाई यार कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता यार। ओ भाई देख लो यार, तुम लोग स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओ भाई साहब, और ये क्या बोल रही है, तुम इतनी तेज कैसे भाग रहे हो? मुझे भी नहीं पता इतनी तेज कैसे भाग रहा हूँ, लेकिन मजा बहुत आ रहा है भाई इतनी तेज भागने में। अंदर से ना ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका हूँ। बाय द वे इसका रिप्लाई कर देते हैं हम लोग के, पता नहीं कैसे तेज भाग रहा हूँ, वरना गुस्सा मुस्सा हो जाए या फिर बोले कि तुम मेरी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं। तो गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर भाई कितना अच्छा महसूस हो रहा है, सारे के सारे जानवर और स्पीड देखो भाई, एकदम टारजन बन गया हूँ मैं तो। और भाई इधर बेड किसने लगा दिया? कोई नहीं, अपन लोग बेड ले लेते हैं, अपने काम में आ जाएगा, वहाँ पे खड़े खड़े सोना पड़ता है, बेड लगा के सो जाऊंगा मैं। और भाई इतने दिनों बाद इन गैया उसे मिल रहे हैं। हेलो गैया कैसी हो तुम, हाउ आर यू? तू ये ना वो जिसको मैंने नॉकबैक से उड़ा दिया था, रुक जा फिर से उड़ाता हूँ। ओ भाई फिर से उड़ा दिया, अभी भी शक्तियाँ काम कर रही है। तो गाइस ये क्या बोल रही है, आ जाओ तब तक आलू लगा ले चल के। तो गाइस अभी ना हम लोग यहाँ से चल के आलू उगा लेते हैं, बिकॉज आलू मेरे ही काम में आने वाले हैं, थोड़ी सी फार्मिंग करना भी जरूरी रहती है यार। भाई मैं अपने आलू खर्च नहीं करूंगा, मैं इससे ही आलू मांगूंगा, तो मेरे को इसने एक स्टैक से ज्यादा आलू दे दिए, तो अभी मैं ना फार्मिंग स्टार्ट करता हूँ। भाई स्पीड इतनी ज्यादा तेज है ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, स्पीड मेरी तेज है, फार्मिंग ये ज्यादा तेज कर पा रही है, भाई क्या सीन है यार। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, अभी इतना बढ़िया मौसम था और एकदम से बारिश कैसे होने लग गई यार, अभी तो बढ़िया एकदम चिकनी धूप निकल रखी थी, ये बारिश कैसे हो गई? और भाई ये बिजली की आवाज कहाँ से आई? ओ भाई ये कौन है, ये सफेद बुड्ढा कौन है भाई? एंटिटी 303 ये कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे भागो भाई, ये बहुत ज्यादा गंदा आदमी है भाई, ये इतना ज्यादा बुरा है ना क्या बताऊँ। देखो यार बिजली गिराने में लगा हुआ है भाई, ये वर्ल्ड में कैसे घुसाया यार, ये तुम लोग शायद जानते नहीं हो लेकिन मुझे पता है ये कौन है, ये इतना ज्यादा बुरा है ना, ये सबको मार देता है। रूही बोल रही है ये कौन है? ओ भाई सब ट्राइडेंट, देखो यार 2 हाथ उड़ा दिए इसने एक शॉट में यार, ये इतना ज्यादा पावरफुल है भाई, भागो 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 भागो, मैं तो घर के अंदर जा रहा हूँ, इससे आर्मर मांगता हूँ भाई, इसकी ऐसी की तैसी एंटिटी के बच्चे तेरी भैंस की टांग आ तू तेरी। गाइस मैंने इससे इसका आर्मर ले लिया है, और भाई आलू से तो बहुत ज्यादा कम हेल्थ बढ़ रही है, मैं यहाँ से स्टिक खा लेता हूँ और मेरे को पूरा का पूरा आर्मर मिल चुका है। और भाई ये एंटिटी कैसे आ गया इस वर्ल्ड के अंदर मुझे समझ नहीं आ रही है, और तुम लोग शायद इस एंटिटी को जानते नहीं हो लेकिन मैं इस एंटिटी को जानता हूँ, ये बहुत ज्यादा ही बुरा बंदा है, लेकिन यार मैं तो इस एंटिटी से कभी मिला नहीं हूँ, फिर मैं इसको कैसे जानता हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ब्रेन में एकदम से इसका नाम आ गया और मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं इसको जानता हूँ। और ये क्या बोल रही है, तुम्हारे पास पावर है उसको मारो। गाइस इसको डर लग रहा है यार, डर तो मुझे भी लग रहा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग जानते नहीं हो इसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। तो गाइस मैंने इससे पूरा का पूरा आर्मर और सॉर्ड ले लिया, इसकी भैंस की टांग एंटिटी के बच्चे, ये ले ये ले ये ले। ओ भाई उड़ा दिया यार एक शॉट में, देखो कितनी दूर उड़ा दिया, मेरे 3 हार्ट खा गया एक शॉट में भाई, ये इतना ज्यादा पावरफुल है ना भाई, इससे मेरे को दूर से ही फाइट लेनी पड़ेगी। ओ भाई ट्राइडेंट 4 हार्ट चले गए, भागो। एंड ये क्या भाई, मेरी हेल्थ इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो रही है, ऐसा लग रहा है भाई कोई मेरी हेल्प कर रहा है। भाई कुछ भी हो ये एंटिटी के बच्चे की पहले वाट लगानी पड़ेगी। चलो गाइस बारिश तो बंद हो गई है, अभी मैं थोड़ा सा ढंग से लड़ पाऊंगा, बारिश में थोड़ा ज्यादा ही डरावना सीन हो रहा था। ये रहा एंटिटी तेरी भैंस की टांग मर साले। ओ भाई फिर से उड़ा दिया भाई, ये एंटिटी इतना ज्यादा तगड़ा है ना, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, एंटिटी 303 बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, हीरो ब्रांड से भी ज्यादा तगड़ा है ये एंटिटी, मेरे 4 हार्ट फिर से उड़ा दिए। भाई भागो यार, मैं यार इससे ऐसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, भागो गाइस। ओ भाई फिर उड़ा दिया यार, इसके पास इतना तगड़ा नॉकबैक है ना यार, मैं सर केव में कैसे गिर गया, भागो 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 भाई, अभी मैं इससे लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इससे दूरी रहूंगा। भाई फिर 4 हार्ट खा गया यार, मेरे शॉट का तो इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ये तो एकदम अनबीटेबल है, तेरी ऐसी की तैसी मर मर, ये ले ये ले ये ले। कहाँ गया भाई एंटिटी, ये बच्चे कहाँ गायब हो गया? गाइस मेरी स्टिक्स को भी हल्के में नहीं लेना भाई, मेरी स्टिक्स भी पावरफुल है, एंटिटी को उड़ा के फेंक दिया। ओ भाई गाइस तुमने एक चीज नोटिस करी, एंटिटी के पास भी सेम पावर्स है जो कि मेरे पास है, लेकिन एंटिटी के पास कुछ ज्यादा ही तगड़े लेवल की है, इसका मतलब मैं भी एंटिटी बनने वाला हूँ, मैं नहीं मतलब कि ये वाला जो बच्चा है ना ये एंटिटी बनने वाला है, ये मेरे को कंट्रोल ना करने लग जाए, बस मुझे इसी बात का डर लग रहा है। गाइस देखो यार एंटिटी को उड़ा दिया, आजा तेरी भैंस की टांग एंटिटी के बच्चे। ओ भाई फिर 4 हार्ट खा गया यार ये, ओ भैंस की टांग, भागो। ओ भाई मरने वाला हूँ भाई, भागो 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 भागो। ओ गाइस ये इतना तगड़ा क्यों है यार? तो मेरी हेल्थ रिकवर हो गई है, आजा तेरी ऐसी तैसी एंटिटी, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू इस वर्ल्ड में क्यों आया है, चला जा यहाँ से वरना बचेगा नहीं। ये पड़ी भाई एंटिटी को पड़ रही है, तुम्हारा भाई भी पीवीपी में हल्का फुल्का नहीं है यार, 5 हार्ट ले गया यार, ये क्या है एंटिटी भाई? एक तो इतनी ज्यादा स्पीड है, मैं आज तक इतनी ज्यादा स्पीड में खेला नहीं हूँ, इसीलिए मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, इस एंटिटी को अपन लोग करी वाली टक्कर देने वाले हैं, तेरी ऐसी की तैसी, आजा आजा। ये पड़ी भाई एंटिटी को, ये पड़ी, मर एंटिटी साले मर जा भाई, पड़ी एंटिटी को पड़ी, आया स्वाद एंटिटी, आ रहा है मजा आ रहा है साले एंटिटी के बच्चे। ओ भाई
चार हार्ट ले गया फिर से यार, मेरे तो अटैक का इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ओ भाई फिर से दो हार्ट ले गया। ओ भैंस की टंग, भागो 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 भाई, इससे लड़ना सही नहीं है भाई, भागो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई। एंटिटी तू यहीं पर रह, तू चिरकोट एंटिटी भाग यहाँ से, मेरे पीछे पीछे मत आइयो एंटिटी के बच्चे, भाग जाए यहाँ से। गाइस भागो, अभी अपने पास ना कुछ भी ऑप्शन नहीं है भाई, ट्राइडेंट फेंक फेंक के मार रहा है यार, मैं तो दूर दूर भागता हूँ। ये एंटिटी का बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ यार। ओ गाइस यार ये कितना ज्यादा पावरफुल है भाई, भागो, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे भाई फिर उड़ा दिया इसने यार, अभी अपने पास कोई भी चारा नहीं है यार, अगर मैं ऐसे ही इससे लड़ाई करता रहूंगा ना तो भाई मैं मरने वाला हूँ एकदम 100%, क्योंकि भाई अभी नया नया मेरे पास पावर्स आई है तो मुझे पता नहीं है इन पावर्स को कैसे यूज करते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। और जिस हिसाब से एंटिटी लड़ रहा है ना, मुझे पता है कि एंटिटी को पूरी की पूरी पावर्स का अच्छे से यूज करना आता है, तो गाइस अपने को ना एकदम हिसाब से इससे फाइट लेनी पड़ेगी। ये ले एंटिटी, ये ले तेरी ऐसी की तैसी, आग लगा दूंगा, मेरे को भी हल्के में मत लियो। ओ भाई फिर उड़ा दिया यार, ये एंटिटी उड़ा देता है भाई, इतना ज्यादा दमदार है ना ये, इसके एक शॉट में हम लोग इतने ज्यादा दूर उड़े चले जाते हैं भाई, मैं नहीं लड़ रहा इससे, भागते जाओ भागते जाओ। अभी बस एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, भागना बस और भागना। ओ गाइस देख लो मेरे जूते और मेरा हेलमेट टूट चुका है, जबकि नेचराइट का था ये, मतलब तुम लोग देख सकते हो एंटिटी कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी हम लोग पानी में चलते हैं, ओ भाई पानी में भी डैमेज दे रहा है ये, क्या है ये एंटिटी। भागो गाइस, और कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, भागो, ये भी आ रहा है पानी के अंदर, मैं जल्दी से भागता हूँ भाई, इसकी नजरों से अपने को दूर निकलना पड़ेगा। एंटिटी मेरे पीछे मत आना, तुझे तेरी पावर्स की कसम मेरे पीछे मत आना एंटिटी के बच्चे, भाग जाए ऐसे, मेरे को छोड़ दे एंटिटी भाई, आज के बाद तेरे से लड़ाई नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं, बस एक बार छोड़ दे, तेरे को मैं पावरफुल बन के बताऊंगा तेरी ऐसी की तैसी एंटिटी। ओ भाई मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, एंटिटी कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ गया एंटिटी भाई। गाइस भागते जाओ शायद अपन लोग ना दूर आ गए, एंटिटी कंफ्यूज हो गया, एंटिटी को ना पता नहीं है कि अपन लोग कहाँ पे, रिवर में आ गए थे ना अपन लोग, तो शायद एंटिटी डायरेक्शन भूल गया। भाई एंटिटी को इतनी तगड़ी लेवल में जो हमने टक्कर दी है ना, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अपन लोग अपने घर के पास में आ चुके हैं भाई, ये रूही गई कहाँ। गाइस अभी मैं ना जल्दी से नीचे चलता हूँ और पूरी की पूरी स्टोरी बताता हूँ इस रूही को, इसको तो कुछ पता ही नहीं है यार ये एंटिटी कितना ज्यादा पावरफुल है भाई। ये देखो कैंडल लगा के पता नहीं क्या जादू टोटका करने में लगी हुई है, एंटिटी को भगाने के लिए हवन करना सुना था, लेकिन ये तो जादू टोटका कर रही है भाई। देख लो यार पूरा आर्मर की हेल्थ चली गई है, कुछ भी नहीं बचा, एकदम रत्ती भर का आर्मर बचा हुआ है यार। ये क्या बोल रही है, तुम मार आए क्या उसे? अबे इसको मारने की पड़ी है, उसने मेरे को मार दिया होता, इसको पता नहीं है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसको मैं बताता हूँ भाई। गाइस इसने आज तक ना एंटिटी से फाइट नहीं करी है, असली वाले एंटिटी से, इसने बस मेरे से फाइट करी है, जो मैं पहले इसको ट्रोल करने के लिए आया करता था, इसीलिए इसको पता नहीं है कि एंटिटी की असली पावर क्या होती है। चला गया क्या वो, पता नहीं गाइस वो चला गया, यानी मैं तो वहां से भाग के आ गया हूं, मैं इसको बोल देता हूं, मेरा आर्मर भी तोड़ दिया और मारा भी नहीं उसे, इसको आर्मर की पड़ी है यार, यहाँ मैं मरते मरते बचाऊं और इसको आर्मर की पड़ी है, इसको बताना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं मरते मरते बचाऊं इसको, मैं बोल देता हूं और तुमको आर्मर की पड़ी है। और यार ना तुम लोग कमेंट करके बताना तुम लोग को क्या लगता है वो एंटिटी कौन है, क्या क्या कर सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतनी ज्यादा मेरी हेल्प होगी उस एंटिटी को हराने में। बाय द वे मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूं, तो चिंता मत करना, और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वाली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस ये क्या हो रहा है, इसको ये जमीन में कैसे घुस गई? ओ भाई ये कहाँ गई, वेट कहाँ है भाई, ये गायब, और ये वर्ल्ड से लेफ्ट भी नहीं करी है, वरना यहाँ पे मैसेज लिख के आता। ओ भाई अभी इसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा ना हो जाए जो मैं सोच रहा हूँ, एंटिटी कहीं इसको पकड़ के ना ले गया। भाई अभी हमें इसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। A few minutes later. और भाई ये क्या चीज है, ये बेडरॉक की केज, आसपास ये पता नहीं कौन से वाले मॉब है भाई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। ओ भाई इनके पास तो कुल्हाड़ी भी है, इसको केज के अंदर ट्रैप कर दिया, और ये बुक में क्या लिखा हुआ है, आई विल किल यू, इसका मतलब गाइस ये एंटिटी मेरे को मारने के लिए आया ना कि इसको मारने के लिए, मुझे भाई बच के रहना पड़ेगा यार, इसको क्यों ट्रैप कर लिया, अब इसको कैसे बचाऊंगा मैं। ओ भाई भागो।